हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नीड टू नॉलेज और मैं कविता आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और अगर आप कनाडा जाने के लिए वर्क परमिट या फिर आपने पीआर या स्टडी वीज़ा अप्लाई किया हुआ है और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसमें, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि अभी बायोमेट्रिक स्टार्ट हो गए हैं और पीपीआर लोगों को आना शुरू हो चुका है, और उसका जो फर्दर प्रोसेस है वो क्या रहता है। सबसे पहले तो आपको वेब फॉर्म को सबमिट करना होता है, और इसके बाद 48 आवर्स के बीच में आपको पेमेंट लिंक आता है। तो पेमेंट करने के बाद फिर से आपको एक मेल आएगी जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, आपने उसका प्रिंट आउट लेना है, उसको फिल करना है। और उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है वो स्टैंपिंग के लिए जाएगा VFS ग्लोबल में। तो फ्रेंड्स, ये सारा प्रोसेस रहता है। बहुत सारे लोगों को एक मेन प्रॉब्लम आ रही है पेमेंट लिंक की, लोगों को पेमेंट लिंक नहीं आ रहा है। इवन के 2 या 3 हफ्ते हो गए हैं उन लोगों को अपना वेब फॉर्म को सबमिट किए हुए, तो उसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं। तो उस वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने ऊपर आइकन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है, तो आप उसे भी जरूर देखें, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि हाउ टू फिल द कंसेंट फॉर्म एंड कोरियर SMS सर्विस फॉर्म फॉर 2-वे कोरियर सर्विस बाय VFS ग्लोबल कैनेडा फॉर योर एंड योर डिपेंडेंट चाइल्ड पासपोर्ट सबमिशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि उनका डिपेंडेंट चाइल्ड है, उसका फॉर्म कैसे फिल किया जाए। और ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी आई थी। मेरी सिस्टर है, उसने वर्क परमिट अप्लाई किया था और उसका जो चाइल्ड है वो माइनर है, तो हम लोगों ने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ किए थे। और उसका जो पासपोर्ट है वो 4-5 दिन के वर्किंग डेज में हमारे पास वापस आ गया था स्टैंपिंग होने के बाद। और इस वीडियो में मैं आपको वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बीच बीच में देती रहूँगी जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी टिप को मिस ना कर दो। और सबसे पहले तो मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूँ कि आपका जो पासपोर्ट है वो ब्लू डार्ट पिक करने आएगा, आपने A4 इनवेल्प में उसको डाल के भेजना है। और जो सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे, एक तो आपका ओरिजिनल जो पासपोर्ट है वो रहेगा क्योंकि स्टैंपिंग के बाद वो आपको वापस आएगा, और सेकंड आपका रहता है PPR। अब PPR क्या है, ये एक प्रूफ होता है कि अम्बेसी ने आपको मेल की है आपका पासपोर्ट मंगवाने के लिए। और साथ में आपने देना है कंसेंट फॉर्म और कोरियर SMS सर्विस फॉर्म देना है और एक बायोमेट्रिक रिसीट कॉपी देनी है। और यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन और देना चाहूँगी कि जो बायोमेट्रिक की रिसीट कॉपी है उसको ओरिजिनली नहीं भेजना है, आपने उसकी जीरोक्स करनी है, वो भेजनी है, क्योंकि बायोमेट्रिक जो है वो 10 साल के लिए वैलिड रहता है और इसकी ज़रूरत आपको कभी भी पड़ सकती है। सो इसकी जीरोक्स ही भेजें, इसकी ओरिजिनल कॉपी ना भेजें। और इसके साथ भी जाएगा कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने A4 इनवेल्प में डालनी है और उसको अच्छे से पैक करना है, और उसके जो उसको एड्रेस करना है वो करना है टू द वीज़ा ऑफिसर VFS ग्लोबल कैनेडा। तो वो पैक करके आपने कोरियर वाले को हैंडओवर कर देना है। और यहाँ पे अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिस हो गया तो उन लोगों ने क्या करना है, बिना प्रोसेस किए हुए आपके सारे डॉक्यूमेंट, सारा इनवेल्प जो है वो वापस भेज देंगे, और उसके बाद आपको दोबारा फिर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने भेजने हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो कोरियर आपका पिक करने आएगा वो सिर्फ 2 ही अटैम्प्ट करेगा, तीसरा अटैम्प्ट नहीं करेगा। सो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आपने श्योर करना है कि आपका जो इनवेल्प है किसी और को दे जाओ जहाँ से कोरियर आपका पिक होना है, ताकि आपका जो कोरियर है इजीली पिक हो सके। और कोरियर पिक करने के बाद आपको एक मेल आएगी जिसका जो सब्जेक्ट है वो रहेगा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ट्रैकिंग नंबर यानी AWV नंबर, जिससे आप अपने कोरियर को ट्रैक कर सकते हो कि कहाँ पर आपका पासपोर्ट है। और इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई भी आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड करना। तो ये सिर्फ आपके लिए है कि आपको ट्रैकिंग नंबर मिल जाता है और आपको एक प्रूफ हो जाता है कि आपका जो पासपोर्ट है वो वहाँ पे चला गया, वहाँ पे पहुँच गया है। और फिर 10 से 12 घंटे के बीच में आप ऑनलाइन इसको ट्रैक कर सकते हो, और आफ्टर स्टैंपिंग GC की लॉगिन में ये इसको अपडेट भी कर देते हैं। तो फ्रेंड्स,
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता ही है, इसे लाइक जरूर करें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी इसे शेयर जरूर करें ताकि किसी की हेल्प हो सकती है। और एक चीज़ और, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले अपडेट्स देखने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फॉर्म को फिल करना सीखते हैं। आपने इन फॉर्म्स का प्रिंट आउट लेना है, आप इसे कंप्यूटराइज टाइप भी कर सकते हो या फिर पहले इसका प्रिंट आउट लो और पेन के साथ इसको फिल करो। और ये दोनों फॉर्म्स हर एक एप्लीकेंट के लिए मैंडेटरी है, चाहे वो माइनर है चाहे वो मेजर है, और दोनों सेम फॉर्म रहेंगे बट दोनों के फॉर्म अलग अलग भरे जाएंगे। और सबसे पहले हम कंसेंट फॉर्म की बात करते हैं। इसमें आपको चार पेजेस मिलेंगे और जो फर्स्ट पेज इसका रहेगा इसमें इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, आप इसे पढ़ लेना। और सेकंड पेज पर यहाँ पे आपको ये फॉर्म फिल करना है, और साथ साथ में आपको माइनर का भी फॉर्म फिल करना बताती रहूंगी। और ये सारा फॉर्म कैपिटल लेटर्स में ही भरा जाएगा। और आपने जो नेम लिखना है, जो आपके पासपोर्ट के ऊपर नेम प्रिंटेड है, आपने सेम वैसा ही यहाँ पे लिखना है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप ये सेम फॉर्म माइनर के लिए फिल कर रहे हो तो यहाँ पे नेम जो आएगा वो माइनर का आएगा जो उसके पासपोर्ट के ऊपर प्रिंटेड है। और यहाँ पे नेम के आगे आपने पेंसिल के साथ ब्रैकेट्स में माइनर लिखना है। ध्यान रखिए ये सिर्फ माइनर के केस में होगा, पेंसिल के साथ यहाँ पे आपने माइनर लिखना है, बाकी सारा आप पेन के साथ फिल करोगे। एड्रेस में क्या करना है, आपने अपना एड्रेस यहाँ पे लिखना है जो आपके पासपोर्ट के ऊपर प्रिंटेड है। और माइनर के केस में जो भी एड्रेस माइनर के पासपोर्ट पे है वही सेम आपने यहाँ पे लिखना है। टेलीफोन नंबर आपने अपना देना है, और सेफर साइड के लिए आप अपने किसी फैमिली मेंबर का भी अल्टरनेट नंबर दे सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना है आपने अपना, माइनर के केस में भी आप अपना दे सकते हो। फिर आता है सिग्नेचर। अब सिग्नेचर आपने सेम करने हैं जो आपके पासपोर्ट के ऊपर है। और अगर ये फॉर्म माइनर के लिए फिल कर रहे हो तो सिग्नेचर यहाँ पे किसके आएंगे, ऑफ कोर्स बच्चे के तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि वो माइनर है। तो कोई भी एक पेरेंट यहाँ पे सिग्नेचर कर सकता है, लेकिन साथ में इसके सिग्नेचर के आगे आपने पेरेंट सिग्नेचर लिखना है पेंसिल के साथ, इसको लिखना मत भूलिएगा। और ये सिर्फ माइनर के केस में ही करना है। और अब बहुत सारे लोगों को डेट में कंफ्यूजन रहती है कि यहाँ पे कौन सी डेट भरी जाए। डेट हमने उस दिन की भरनी है जिस दिन आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो, और ये है साइंड एट सिटी कंट्री, कौन सी सिटी में आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हो। तो ये सिटी पहले लिखनी है, फिर कोमा, कौन सी कंट्री से इसको फिल कर रहे हो तो वो कंट्री लिख देनी है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पेज पे, कंसेंट फॉर इनडायरेक्ट सबमिशन एंड और कलेक्शन। अब ये फॉर्म आपको भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम तब भरते थे जब आपने किसी ट्रेवल एजेंट या किसी ऑथोराइज्ड पर्सन के थ्रू वीजा अप्लाई किया है और आफ्टर स्टैंपिंग वो आपका पासपोर्ट लेते थे। बट अभी कोई एजेंट या फिर हमारा कोई फैमिली मेंबर इसे कलेक्ट करने नहीं जा रहा है, अब ब्लू डार्ट ही आपका पासपोर्ट पिक भी करेगा और इसको डिलीवर भी करेगा। सो इसे फिल करने की जरूरत नहीं है। और इसमें ये नीचे आता है डेक्लरेशन, और ये तब देनी है जब किसी वीजा एप्लीकेशन सेंटर के स्टाफ ने एप्लीकेशन फिल करने में आपको असिस्ट किया है, आपकी हेल्प की है। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि इसे आप ब्लैंक छोड़ दें, ये दोनों के लिए, माइनर और मेजर के लिए। तो नेक्स्ट फोर्थ पेज पे चलते हैं। अब ये फॉर्म बायोमेट्रिक्स का है, एप्लीकेंट्स विशिंग टू प्रोवाइड बायोमेट्रिक्स, एप्लीकेंट्स नॉट विशिंग टू प्रोवाइड बायोमेट्रिक्स। अगर आपका बायोमेट्रिक हो गया है या फिर होने वाला है तो आपने ये फर्स्ट पोर्शन को फिल करना है, और जो लोग बायोमेट्रिक्स के लिए विलिंग नहीं है तो वो ये पोर्शन को फिल करेंगे। बट यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ कि आप इस वाले पोर्शन को ब्लैंक छोड़ दें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बायोमेट्रिक्स जो है वो मैंडेटरी है कनाडा जाने के लिए, और अगर आप इस पोर्शन को फिल करते हैं तो मे बी आपका केस वो रिजेक्ट कर दें। सो आपने ऊपर वाला पोर्शन फिल करना है, और यहाँ पे नेम के आगे आपने जो आपके पासपोर्ट के ऊपर नेम प्रिंटेड है वो सेम लिखना है यहाँ पे, और माइनर के केस में भी वैसे ही करना है, माइनर का नेम लिखना है। और यहाँ नेम के आगे माइनर के लिए पेंसिल के साथ आपने माइनर लिख देना है ब्रैकेट्स में, और अगेन सिग्नेचर है यहाँ, आपने जो पासपोर्ट के ऊपर आपके सिग्नेचर अवेलेबल है आपने सेम वैसे ही करने हैं। और माइनर के केस में कोई भी एक पेरेंट यहाँ पे सिग्नेचर करेगा, और यहाँ सिग्नेचर के आगे पेंसिल के साथ आपने लिखना है पेरेंट सिग्नेचर। नेक्स्ट डेट आती है, डेट आपने वही लिखनी है जिस दिन आप ये फॉर्म को फिल कर रहे हो। तो ये तो था हमारा कंसेंट फॉर्म मेजर के लिए भी और माइनर के लिए भी। तो नेक्स्ट चलते हैं कोरियर SMS फॉर्म पे। ये फॉर्म आपको तब मिलता है जब आपकी पेमेंट वहां पे सक्सेसफुली हो जाती है, और इसको भी आपने कैपिटल लेटर्स में भरना है, और ये माइनर के लिए भी और मेजर के लिए भी सेम रहेगा, माइनर और मेजर दोनों के लिए अलग अलग से इसको फिल करना है। ये कोरियर SMS रिक्वेस्ट टू बी फिल्ड बाय द एप्लीकेंट इन ब्लॉक लेटर्स, यानी ये सारा आपने कैपिटल लेटर्स में भरना है। और डेट आपने कौन सी लेनी है, जिस दिन आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हो।
अब नेक्स्ट आता है एप्लीकेंट नेम। अब एप्लीकेंट नेम आपने सेम रखना है जो भी आपके पासपोर्ट के ऊपर प्रिंटेड है। तो यहाँ पे आता है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो यहाँ पे लिखोगे, हर एक बॉक्स में एक एक लेटर जाएगा, और लास्ट नेम में आप अपना लास्ट नेम लिखोगे। और कई बार क्या होता है कि आपका मिडल नेम भी होता है, जैसे आपके फादर का नेम, आपके हस्बैंड का नेम, तो आपने फर्स्ट नेम और मिडल नेम के बीच में एक बॉक्स को ब्लैंक कर देना है। और माइनर के केस में आपने क्या करना है, एप्लीकेंट नेम के आगे पेंसिल के साथ आपने माइनर लिख देना है, और उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वही रहेगा जो उसके पासपोर्ट के ऊपर प्रिंटेड है। और नेक्स्ट आता है ईमेल आईडी। आपने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी दे देनी है, बच्चे के केस में भी आप अपनी ईमेल आईडी दे सकते हो। नेक्स्ट आता है एड्रेस, और यहाँ पर एड्रेस आपको वो भरना है जहाँ पर आफ्टर स्टैंपिंग आपको अपना पासपोर्ट कुरियर के थ्रू डिलीवर होगा, और ये सेम आप अपने चाइल्ड के लिए भी ऐसे ही भर सकते हो जहाँ पे आपको पासपोर्ट मंगवाना है। तो यहाँ पे फ्लैट नंबर, फ्लोर नंबर, हाउस नंबर वगैरह रहेगा, और उसके बाद बिल्डिंग नेम, विंग नेम या फिर आपका हाउस नेम यहाँ पे आएगा, स्ट्रीट नेम, मोहल्ला वगैरह जो भी होएगा यहाँ पे लिखा जाएगा। और ध्यान रखिए, दो वर्ड्स में एक ब्लैंक आपने बॉक्स को छोड़ देना है। और उसके बाद आता है लैंडमार्क, और मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करती हूँ कि आप यहाँ पे लैंडमार्क जरूर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कोरियर वाले को आपकी लोकेशन समझ ना आ रही हो, तो अगर आपने लैंडमार्क दिया हुआ है तो उसको इजी हो जाता है आपकी लोकेशन को फाइंड आउट करने में। तो नेक्स्ट है एरिया, आपने एरिया लिख देना है, यहाँ पे सिटी लिख देनी है, फिर स्टेट लिख देनी है। उसके बाद पिन कोड आता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये पिन कोड, आपने बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है, क्योंकि इसी से आपकी सिटी, आपका एड्रेस फाइंड आउट होता है। और नेक्स्ट ये थर्ड पॉइंट है, इसको आपने ब्लैंक छोड़ देना है, और ये तब भरना होता है कि जब आपकी लोकेशन में ब्लू डार्ट की सर्विसेज नहीं होती, बट इनकी सर्विसेज अभी हर लोकेशन पे अवेलेबल है, सो इस पॉइंट को आपने छोड़ देना है। और उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट है वो है SMS, यस और नो, और इफ यस कॉन्टेक्ट नंबर। मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगी कि इसको आप यस कीजिए और यहाँ पे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए। इससे क्या होता है कि आपके पासपोर्ट का स्टेटस आपको पता चलता रहता है कि आपका पासपोर्ट अभी कहाँ पे है और इसका क्या प्रोसेस हो रहा है, सो इसको फिल जरूर कीजिए। और नेक्स्ट आता है ये कंसेंट, और यहाँ पे आए के बाद आपने एप्लीकेंट नेम लिखना है जो भी आपके पासपोर्ट के ऊपर प्रिंटेड है, और माइनर के केस में आपने यहाँ पे माइनर का नेम लिखना है, और इसके साथ आपने यहाँ पे पेंसिल के साथ माइनर लिख देना है ब्रैकेट्स में। और नेक्स्ट आता है सिग्नेचर, आपने सिग्नेचर यहाँ पे करने हैं जो भी आपके पासपोर्ट के ऊपर अवेलेबल है, और माइनर के केस में कोई भी एक पेरेंट यहाँ पे सिग्नेचर करेगा, और यहाँ पे इसके आगे पेंसिल के साथ पेरेंट सिग्नेचर लिख देना है। और आगे है प्लेस, अब यहाँ पे आपने जिस लोकेशन से आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हो वहां पे प्लेस का नेम लिख देना है या सिटी का नेम लिख देना है। तो फ्रेंड्स, आपने इन दोनों फॉर्म्स को ध्यान से भरना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और बताना चाहूंगी, जो मेन एप्लीकेंट का पासपोर्ट है अलोंग विद अदर डॉक्यूमेंट्स जो कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताए हैं, उन सबको आप A4 एनवेलप में डाल के अच्छे से पैक करना है, और डिपेंडेंट चाइल्ड जो माइनर है उसका आपने अलग से A4 एनवेलप तैयार करना है, और उसके बीच में उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपने डालने हैं। जब भी आपके पास PPR आती है और एंड तक जो भी इसका प्रोसेसिंग टाइम रहता है वो 20 डेज का रहता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक बटन को हिट जरूर करें, और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी इसे शेयर जरूर करें जिसको इसकी जरूरत है। और फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।